पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सार्थक चर्चा कार्यक्रम में। कैसे हैं पूजा जी? नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज आप किस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? आज के सार्थक चर्चा पे मैं पीलिया रोग के बारे में जानना चाहती हूँ। पीलिया रोग क्या है उस बारे में, इसके लिए मेरे पास कुछ सवाल है। मैं चाहूँगी कि उस चीज़ के बारे में आप उस सवालों का जवाब दें। मेरा पहला सवाल है, पीलिया रोग क्या है? पीलिया यानी जॉन्डिस क्या है? जी पूजा जी, पीलिया एक बीमारी है जो शरीर में बिलुरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। बिलुरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तो पीले रंग के बिलुरुबिन का निर्माण होता है। ऐसे भी 120 दिन में ब्लड टूटता ही है, और उससे पहले टूटता है तो ज़्यादा परेशानी होती है। बिलुरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता है या लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीलिया होता है, जॉन्डिस रोग हो जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें टोटल सीरम बिलुरुबिन का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर से अधिक हो जाता है। पीलिया के मुख्य लक्षणों में आंख के सफेद हिस्सा का पीला होना है। अधिकतर मामलों में पीलिया नवजात शिशुओं को होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह वयस्कों को भी हो सकता है। इसके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर पीलिया के प्रकार की पुष्टि कर इलाज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। समय पर पीलिया का इलाज नहीं कराने पर सेप्सिस हो सकता है और कुछ मामलों में लीवर फेल भी हो सकता है। इसलिए समय पर उसका उचित इलाज आवश्यक है। और उसी तरह मेरा दूसरा सवाल है, पीलिया रोग कितने प्रकार के होते हैं? पीलिया कितने प्रकार का होता है? देखिए, जॉन्डिस जो है उसका मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जिसमें प्री हेपेटिक पीलिया, पोस्ट हेपेटिक पीलिया और हेपेटो सेलुलर पीलिया। प्री हेपेटिक पीलिया का हेमोलिटिक पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर पहले मरीज की जांच करके पीलिया के प्रकार की पुष्टि करते हैं, उसके बाद इलाज की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब मैं लेना चाहूंगी तीसरा सवाल, पीलिया रोग कैसे फैलता है? पीलिया रोग कैसे फैलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। पीलिया के वायरस मरीज के मल में मौजूद होते हैं, जिसके कारण इस बीमारी का प्रसार हो सकता है, यानी कि फैल सकता है। साथ ही दूषित पानी, दूध और खान पान की दूसरी चीजों के जरिए भी पीलिया रोग फैल सकता है। अगर आप खुद को इस बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही खान पान की चीजों का सेवन करने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए, ताकि पीलिया या दूसरी बीमारी एवं संक्रमण का खतरा न हो। जो भी संक्रमित बीमारी है वो इसी से फैलता ही है। मेरा चौथा सवाल है कि पीलिया के लक्षण क्या है? पीलिया के लक्षण क्या है? देखिए, पीलिया का सबसे बड़ा लक्षण है जॉन्डिस का जो सिम्टम्स है वो त्वचा और आंखों का पीला होना। इसके अलावा पीलिया होने पर रोगी खुद कई और लक्षणों को अनुभव कर सकते हैं, जैसे बुखार होना, थकान होना, वजन घटना, कमजोरी होना, भूख नहीं लगना,
पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, शरीर में जलन होना, हल्के रंग का मल जी जो लेटिंग होता है वो हल्का रंग का हो जाता है, उसमें कब्ज की शिकायत होना, पेशाब का रंग गहरा होना, वही कुछ मामलों में खुजली और उल्टी भी हो सकता है, यही सब इसका लक्षण है। अब मैं जानना चाहूंगी पांचवें सवाल का जवाब, पीलिया रोग के कारण क्या क्या होते हैं? जॉन्डिस का कारण क्या है? बहुत सुंदर। बिलीरुबिन का जी काम लीवर से गंदगी को साफ करना है, लेकिन जब किसी कारणों से इसकी मात्रा 2.5 से अधिक हो जाती है तो यह काम करना बंद कर देता है, नतीजतन पीलिया की समस्या पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि 37 सप्ताह या 8.5 महीने से पहले जो बच्चा जन्म ले लेता है उसको पीलिया का खतरा अधिक होता है, क्योंकि डॉक्टर इतने कम समय में जी उनका लिवर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। साथ ही जिन शिशुओं को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है उन्हें भी इस बीमारी का खतरा होता है। अब तो ये पीलिया रोग के कुछ संदर्भ आपने जवाब दे दिए हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इसका उपचार, जैसे मेरा छठा सवाल है, पीलिया रोग का काउ क्या उपचार है? पीलिया रोग का उपचार, जॉन्डिस का ट्रीटमेंट क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। पीलिया का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर अनेकों उपचार विकल्पों का चयन कर सकते हैं, जिसमें दवाओं का सेवन, जीवन शैली और डाइट में बदलाव करके इलाज करते। उसी तरह मैं सातवां सवाल लेना चाहूंगी, पीलिया रोग में क्या खाए जिससे वो ठीक हो, जो बढ़े नहीं? पीलिया में क्या खाना चाहिए? पीलिया होने पर आपको अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए, जिसमें फलों का जूस पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताजा और शुद्ध भोजन करें, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4 से 6 बार खाएं, एक बार में अधिक नहीं खाना है। खाना खाने से पहले अच्छी ठीक, तरह हाथों को धोएं। बहुत बढ़िया। इन सब के अलावा आप अपनी डाइट में दही, मूली, प्याज, पपीता, तुलसी, टमाटर, छाछ मट्ठा, नारियल पानी, धनिया का बीज, गिलोय और शहद ले सकते हैं। जी, और आज का मेरा आखिरी और आठवां सवाल है, पीलिया में जिनको पीलिया रोग होते हैं उनको उस दरमियान क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का परहेज करना चाहिए? पीलिया में क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। पीलिया से पीड़ित होने पर आपको कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से बाहर का खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दाल और बीन्स का सेवन न करें, मक्खन से परहेज करें, ज्यादा मेहनत करने से बचना चाहिए, एक साथ अधिक खाना खाने से भी बचना चाहिए, जी ठीक है, काफी चाय से भी परहेज करना चाहिए, ज्यादा तीखा या तैलीय मसालेदार चीज न खाएं, अंडा, मीट, चिकन और बहुत मछली का बढ़िया। सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। पूजा जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न कहा, और जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी कहेंगे कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं लोगों के जी लिए तो ठीक, आप कह सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और लोगों तक तो इसका उपचार और लक्षण बताने के लिए, जिन्हें कह रहे कि जितने भी लोग आपके जो दर्शक हैं वो देखेंगे तो उनको भी इससे काफ़ी फायदा होगा, और लोग इसके लिए अगर किसी को भविष्य में पीलिया रोग के ग्रसित हो उनको पता चलेगा कि इससे कैसे बचा जाए। इस और हम चाहेंगे कि जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं इन इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और
आगे तक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिन्हें करूँ जितने भी लोग हैं उनको हेल्प हो और इससे बचा जाए। धन्यवाद।